अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। ये अपतिष्ठ आत्मा ने जो कुछ कर्म किया राग द्वेष का, तो ये जो प्रतिक्रमण की बात है कि आप जो है वो प्रतिक्रमण कर लो तो वो धुल जाएंगे, और काजुअल बॉडी जो है वो श्रिंक हो जाएगी, और आप जो है फिर जो आत्मा अपने आप जो है वो स्वर्ग जाएगी, मतलब मोक्ष जाएगी। लेकिन अगर ये सिर्फ मानने से कि नहीं ये तो नेचर का है, कुदरती रचना, कुदरती कानून के अनुसार हो रहा है, तो फिर प्रतिक्रमण करने की जरूरत नहीं। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जब तक हम आपकी तरह थोड़े और आगे बढ़े, तब तक तो हमारे ये राग द्वेष जो है वो चलता रहता है, तो उससे मुक्ति कभी भी नहीं मिलेगी जब तक भुगतेंगे नहीं कि उसका भी कोई रास्ता है, क्योंकि प्रतिष्ठित आत्मा ने तो प्रतिष्ठा कर दी और हमें ख्याल भी आया करे ये क्या हुआ। लेकिन अब माफी भी मांगी बाद में शायद, तो फिर जो है आध्यात्मिक साइंस के अनुसार हम क्या करें या नहीं करें कि जिससे हम इससे फिर भी मुक्त रह सके, क्योंकि कर तो दिया और उस वक्त राग द्वेष भी हो गया तो कर्म भी बन गया। देखो सिंपल बात के लिए एक कर्म बांधने की प्रक्रिया इनविजिबल है, जिसको हम प्रतिष्ठा बोलते हैं वो इनविजिबल है, और इसीलिए आप बंच ऑफ कर्म बांधते हैं, प्रतिष्ठा करते हैं, उसमें से एक दो बड़े कर्म जो होते हैं शायद आपको समझ में आता है और इसका प्रायश्चित करते हैं। डजंट मैटर, आपकी साइकिल ऑफ रिवर्थ तो चालू रहेगी। सुनो तो एंड कब होगा? जब तक हम सेपरेट नहीं होंगे। और फिर बात तो वही पे हुई, तो मैं पहले सेपरेट की बात करता हूँ, तुम बाद में सेपरेट की, तो मैं पहले करता हूँ। बाद में अंत में तो यही आने कि सेपरेट तो होना ही पड़ेगा जब अल्टीमेट। और दूसरी बात क्या है, अगर आप जब यूनिवर्सल ट्रू साइंस को समझ सकते हैं तो फिर इसको समझकर उपयोग करने में क्या कठिनाइयां हैं? हम धर्मों को छोड़ने की बात तो करते नहीं है, ये तो प्लस है ना। हमने ऐसा कहा कि तुम्हारा धर्म छोड़ के यहाँ आओ। आपने एक बात कही, आपने कहा था एक दो दिन पहले कि किसी का स्वभाव बदलना पॉसिबल नहीं है ना, तो प्रकृति परिवर्तन नहीं होती है। कि उसी के कारण, क्योंकि स्वभाव बदलना पॉसिबल नहीं है, तो अभी जैसे एक सिचुएशन में मैंने गुस्सा किया, किसी के प्रति गलत सोचा और वो प्रतिष्ठित हो गए, फिर मैंने कहा अरे ये तो बड़ा गलत, लेकिन क्योंकि स्वभाव नहीं बदला तो अगली बार वैसा मौका आया तो फिर वो ही किया। इस झंझट से छुट्टी कैसे मिली? सबसे पहली बात यह है, आप सेपरेट समझो कि अकाउंट ऑफ चार्ज एंड अकाउंट ऑफ डिस्टेंस, पहले दोनों को समझ लो। चार्ज अकाउंट इज ऑलवेज लाइव एंड डिस्चार्ज अकाउंट इज ऑलवेज मैकेनिकल। मैकेनिकल समझते हैं, इट्स अ फिक्स प्रोग्राम, ओके, फ्रॉम बर्थ टुडे योर लाइफ इज अ फिक्स प्रोग्राम, but charge is open, you can put anything। अपन
होते प्रीडेस्टिन्ड प्रीडेस्टिन्ड यस यस सेम सेम डिस्चार्ज वाला व्हाट इज दैट डिस्चार्ज वाला ये हो रहा है दिस इज अवर लाइफ व्हाट इज दैट जैसे कहते हैं मन वचन काय की अवस्था मात्र कुदरती रचना है तो व्हाट इज दैट तो डिस्चार्ज में हम परिवर्तन कर सकते हैं ये मानना उसका नाम अज्ञान इज इक्वल टू रिलेटिव सत्य दुनिया इसी के ऊपर चलती है समझ में आया दुनिया को प्रकृति का सुधारना प्रकृति को सुधारना ये दुनिया का सब्जेक्ट है और इसीलिए आज जो प्रकृति है उसमें से और इंप्रूव करके नई प्रकृति प्राप्त करो इसमें और इंप्रूव करके नई प्रकृति प्राप्त करो ये प्रोसेस होती है ह्यूमन की एवरी पर्सन उसमें बुराइयां भी आ जाती है चार अच्छाइयां आ जाती है फिर चार बुराइयां भी आ जाती है ऐसा होता रहेगा ये कोई सॉल्यूशन नहीं है आप समझे तो कहने का मतलब ये है कि बाहर की प्रकृति को तो हम बदल नहीं सकते 1% भी बदल नहीं सकते ठीक है क्योंकि बाहर की प्रकृति प्रोग्राम है तो प्रोग्राम को बदलना बदल सकते हैं मानना वो एक अज्ञानता है कोई मानना है तो मान सकते हैं मना नहीं करेंगे प्रिंसिपल इट इज नॉट करेक्ट जब प्रोग्राम है तो प्रोग्राम का मतलब क्या हुआ इट्स अ प्रीडेस्टिन्ड अभी हम जो नया प्रोग्राम बना रहे हैं जो लाइव पार्ट है लाइव पार्ट जो अभी लाइव है अभी प्रोग्राम बना रहे हैं फॉर द नेक्स्ट टाइम अभी कंप्लीट हुआ नहीं है तो हम उसमें करेक्शन कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द लाइव पार्ट आप समझे अगर कोई मैंने गलत भाव कर दिए है और आज मेरे को मालूम हुआ तो मैं प्रायश्चित करके उसको माइंड भी कर सकता हूँ मिटा भी सकता हूँ एज पर माई कैपेसिटी क्योंकि अभी मैं एग्जाम दे रहा हूँ फॉर द नेक्स्ट बर्थ और आज जो जीवन जी रहे वो एग्जाम दे चुके हैं इनका उनका आंसर पेपर कुदरत के पास है अभी आप क्या कर सकते हैं उसका तो रिजल्ट आएगा हाँ तो ये करंट लाइफ की बात है और पिछले अभी जो हम प्रोग्राम बना रहे हैं उसमें प्रायश्चित से करेक्शन कर सकते हैं ठीक है जैसे मैं 3 घंटे की एग्जाम होती है नॉर्मल स्कूल कॉलेज में अगर मैंने 2.5 घंटे में अपना प्रश्न पत्र लिख लिया अभी आधा घंटा बाकी है मैं रिवाइज करता हूँ और फिर मेरे को मालूम हुआ कि आंसर नंबर 6 है वो मैंने गलत लिखा है इसको काट दिया और लास्ट में सही लिख दिया तो मार्क्स मिलेगा कि नहीं अभी 3 घंटा खत्म हो गया आपने आंसर पेपर दे दिया और क्वेश्चन पेपर लेके घर पे आए फिर घर पे ऐसे टेबल पे रखा है और आप चाय पी रहे फ्रेश होने के लिए एग्जाम तो खत्म हो गई अभी घर पे आ गए अभी आप चाय पी रहे चाय पीते पीते आपको मालूम हुआ कि जो ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो तो मैंने गलत लिख दिया है सही उत्तर तो ये है अभी क्या होगा क्योंकि आंसर पेपर गॉन टू द टीचर यहाँ कॉजल बॉडी गॉन टू द नेचर सेम प्रिंसिपल यहाँ टीचर के पास जाने के बाद कुछ नहीं कर सके यहाँ नेचर के पास जाने के बाद कुछ नहीं कर सकते नाउ योर लाइफ इज प्री डिसाइडेड एज पर योर प्रोग्राम तो करेक्शन कर सकते हैं टाइम रहते है समय रहते कर लो हाँ नहीं 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 मैं आपको बता रहा हूँ एक ऑप्शन है और दूसरा ऑप्शन जो हम बताते हैं वो है ये धर्म में बताया गया ऑप्शन है क्षमा आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान वो धर्म में बताया गया ऑप्शन है तो करेक्ट आध्यात्म में क्या कहते हैं अगर आप गुस्सा करते हैं तो मेरे को गुस्सा नहीं करना है चोरी करते हैं मेरे को चोरी नहीं करना है मेरे को माँ बाप ऐसा मिला तो ऐसा मिलना चाहिए मेरे को डिग्री ऐसे मिली चार्टर्ड अकाउंट तो मेरे को डॉक्टर होना चाहिए मेरे को इतना नहीं इतना पैसा चाहिए ये भाव की बात करता हूँ ये प्रोग्राम है मैं उसमें करेक्शन करता हूँ ये करेक्शन इज फॉर द सोल
और फॉर द न्यू गॉड बर्थ किसके लिए? सोल के लिए तो नहीं है। फिर आप इसको स्पिरिचुअल नहीं बोल सकते हैं। इफ यू आर नॉट टॉक अबाउट द सोल सब्जेक्ट टू टॉक सोल यू कांट से स्पिरिचुअल इट्स अ रिलीजियस। जो मैंने कहा धर्म में बताया गया है, अध्यात्म में नहीं है। अध्यात्म में लेवल अपर है, ये लोअर लेवल है। सब्जेक्ट टू अध्यात्म ये लोअर लेवल है। इनकरेक्ट नहीं है, लोअर लेवल है। अध्यात्म में क्या बताया गया? जब आपको आत्मा का ही अनुभव करना है तो प्रकृति अच्छी है बुरी है, आपकी या दूसरे की। आपको प्रकृति से मुक्त होना है कि प्रकृति को अच्छे बनाना है? टू ऑप्शन। हाँ, पर प्रकृति से मुक्त होने के लिए क्या प्रक्रिया है जो आप मुक्त रहोगे? क्योंकि गुस्सा तो आ गया, वो तो प्रकृति को आया ना, डिस्चार्ज भाग गया ना। अच्छा, उसको डिस्चार्ज मानो तो भाई तो कहा कि मन वचन काया की जो लाइफ है जो सब वो तो प्रोग्राम है तो उसमें क्या कर सकते? रामकृष्ण माई भी नहीं कर सके। प्रोग्राम में क्या है? इट्स अ प्री डिसाइडेड प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम को करेक्ट, ये प्रोग्राम है इसमें करेक्शन करना। इट मीन यू आर टॉकिंग अबाउट द रीबर्थ, करेक्ट। और अध्यात्म में क्या कहता है? जो भी प्रोग्राम के मुताबिक आपकी लाइफ है उससे मुक्त होना है तो पूरी लाइफ को यानी मन वचन काया को कुदरती रचना देखो। नो राग नो द्वेष, तो कुदरती रचना तो फैक्ट है। यस और नो? अगर फैट का उपयोग करोगे तो राक्षस होंगे तो कर्म बनेंगे और तभी तो आत्मा की अनुभूति होगी। फिर कर्म बनाते रहेंगे, जन्म मरण लेते रहेंगे, आत्मा की अनुभूति कब होगी? जब आपका सब्जेक्ट ही आत्मा नहीं है, आपका सब्जेक्ट ही प्रकृति है। कोई भी एंगल से मैं धार्मिक बनूं, मैं त्यागी बनूं, मैं शिष्य बनूं, मैं टीचर बनूं, मैं डॉक्टर बनूं, मैं इंजीनियर बनूं, मैं नेता बनूं, कुछ भी बनूं, मगर आपकी आपकी जो डिमांड है यू नीड दिस काइंड ऑफ लाइफ, फिर आप कहोगे स्पिरिचुअल है। हाउ इट इज पॉसिबल सर? और सवाल ये है कि ये समझ में आया थ्योरेटिकल कि प्रकृति के जो भी कानून से उसका जो डिस्चार्ज हो रहा है और ये बॉडी भुगतान कर रही है। यस, ठीक है। अब जो है किसी ने जो है वो कुछ किया, गलत कर दिया, गुस्सा आया, उस वक्त जो है आप किस तरह से अलग रह सकते हैं कि मैं गुस्सा आ गया ये तो नेचर का काम है और मैं सिर्फ ज्ञाता दृष्टा हूं क्योंकि मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, समझते हैं। तो उस स्टेज से इस स्टेज पर आने तक अनुभव होने लगे उसके बीच का जो दरमियान जो समय है उसका क्या करना? क्योंकि गुस्सा तो आ रहा है, फिर वो स्थिति हुई, फिर गुस्सा आया और आपने मन में कह दिया ये तो प्राकृतिक रचना है और मैं इससे अलग हूं, लेकिन उससे काम हो गया क्या? उससे जो है मैं प्रकृति से अलग, मैं एज आत्मा अलग हो गया क्या? सबसे बड़ी बात यह है कि प्रकृति हजार बार भी गलती करे, आप अगर प्रकृति नहीं है ऐसा आपको समझ में आ गया, प्रकृति मतलब मन वचन का है, आप मन वचन काया नहीं है ये आपको समझ में आ गया साइंटिफिकली, आप मन वचन काया को चलाने वाले नहीं है वो साइंटिफिकली समझ में आ गया, और आप आत्मा किस प्रकार से है चेतन अविनाशी और अनुशक्तिवान वो भी समझ में आ गया, ठीक है। अभी समझ में आ गया, अभी इसका संयोग में यूज करना है। क्या करना है संजोग? वो भी दृष्टि से, मन वचन का ऐसे तो करना ही नहीं है, राइट। तो कोई भी जैसे ये प्रकृति गुस्सा करती है या सामने वाली प्रकृति इसके साथ इसको गुस्सा करती है तो दोनों की अवस्था तो कुदरती रचना है और मैं कुदरती रचना से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूं, तो इसमें क्या तकलीफ है? और वो उसे वो कर रहा ये क्योंकि वो तो जब ध्यान तो आता है बाद में, पहले तो लड़ाई हो गई। लड़ाई का आप सब्जेक्ट बनाए तो मेरे को ये समझ,
जब जब राम ने रावण के साथ वॉर किया तो भी सब्जेक्ट नहीं बना, वही अवतार में मोक्ष में गए। आप अवस्था को क्यों सब्जेक्ट बनाते हो? जब मैं कहता हूँ कुदरत रत्न है, फिर आप दान देते हो तो भी कुदरत रत्न, चोरी करते हो तो भी कुदरत रत्न, फिर आप सब्जेक्ट क्यों बनाते हो? रिलेटिव सत्य में लोग कहेंगे कि चोरी करना गलत है, दान देना अच्छा है, इट इज ओके फॉर अ सोसाइटी एंड फॉर अ रिलीजियस, इट इज ओके। बट स्पिरिचुअल दोनों क्या है? कुदरत रत्न, एक के ऊपर राग नहीं, एक के ऊपर द्वेष नहीं, यही तो स्थिति लाना है अपनी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए कहा अगर अध्यात्म के मार्ग में जब आपको सनातन सत्य की दृष्टि प्राप्त हो जाती है, अध्यात्म विज्ञान समझ में आ जाता है, और फिर भी प्रकृति प्रतिक्रमण करती है कोई भी दोष का, तो आपके लिए प्रतिक्रमण वो भी कुदरती रचना ही है, पुरुषार्थ नहीं। प्रकृति ने गलती किया, प्रकृति माफी मांगे तो गलती किया वो भी कुदरती रचना, माफी मांगे वो भी कुदरती, मगर माफी मांगे उसको आप पुरुषार्थ कहोगे तो फिर धार्मिक सत्य हो गया। क्यों धार्मिक सत्य हो गया? क्योंकि अगर मैंने इसको पुरुषार्थ माना मतलब ये गलती मैंने किया है, माफी मेरे को मांगना है, नहीं समझना है। हालांकि गलती तो प्रकृति करती है और मैं प्रकृति नहीं हूँ, अभी आप समझे। फिर आप आत्मा भी हो और प्रकृति भी हो, यू क्रिएट द पजल इन योर माइंड। इफ यू आर नॉट प्रकृति देन यू आर सोल, इफ यू आर नॉट सोल देन यू आर प्रकृति, दोनों साथ में, पर दोनों साथ में आप कौन हो? भी कार भी है और तुम भी हो, मगर तुम कौन हो और कार कौन है? तो क्या मैं अलग हूं और कार अलग है? मेरी कार है, मैं कार नहीं। मेरा हाउस है, मैं हाउस नहीं है। समझ में आया? ये मेरे रिलेशन है, मैं रिलेशन नहीं हूं, मेरा रिलेशन है। आप कहोगे बच्चा मेरा है, मैं बच्चा नहीं हूं। तो कहने का मतलब अवस्था और मैं साथ है, फिर भी क्या है, यहां गलती हो जाती है बॉडी में। ये मेरा शरीर है और मैं ही शरीर हूं, ये गलती हो गई। मकान मेरा है मगर मैं मकान नहीं, कार मेरी है मगर मैं कार ऐसे ही है। शरीर मेरा है मगर मैं शरीर नहीं हूं, मगर मानते हैं मेरा शरीर है और मैं भी। गलती हो गई, समझ में आया? मिस्टेक कहाँ हो गई? मेरा कहना वो व्यवहार है, मगर मैं कहना वो व्यवहार, वो अज्ञानता है। ये मेरी कार बोलना वो हमारा व्यवहार है, पर मैं कार हूं तो ठीक रहेगा? ये मेरा मकान है बराबर है, पर मैं मकान हूं तो एक तरह आप कहते हो कि मैं शरीर भी हूं, दूसरी तरफ कहते मैं शुद्धात्मा भी, तो आप क्या हो? तो देयर इज अ कंफ्यूजन। इसीलिए विज्ञान ने क्लियर किया कि शरीर भी है आप भी है, मगर आपकी दृष्टि में होना चाहिए कि शरीर मेरा है, ऐसा व्यवहार से मैं बोल सकता हूँ, मगर मैं शरीर नहीं, मैं शरीर से मुक्त ऐसा चेतन अविनाशी और अनंत शक्ति वाला ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ, ये मेरी दृष्टि में होना चाहिए। और मन वचन काया जो कुछ भी कर रहा है वो कुदरती रत्न है, वो देखने का ही है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ वो ज्ञान है, और मन वचन काया की अवस्था कुदरती रत्न है वो दर्शन है। सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन से कर्मों की निर्जरा होती है, बस। इसमें कोई चमत्कार की बात नहीं है, इसमें कोई धर्म परिवर्तन की बात, कोई क्रियाकांड की बात, किसी को मानने न मानने की बात है ही नहीं। और यही वितराग परमात्माओं ने सिखाया था, यही महापुरुषों ने सिखाया था, बाद में ये संप्रदाय बन गए, तो अध्यात्म खत्म हो गया। यही तो मैं कहना चाहता हूं, ये अध्यात्म कोई नया विषय नहीं है, जो ढक गया है इसको मैं सिर्फ री ओपन कर रहा हूं। अध्यात्म को कोई क्रिएट नहीं कर सकता है क्योंकि सनातन है, सनातन को क्रिएट नहीं कर सकते। री ओपन किया, क्या किया है? That's it. था है और रहेगा।